कंसंट्रेशन पॉसिबल है, मिनिमम तो पॉसिबल है, ठीक है। कंसीडर ए कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कार कैन बी स्टॉपेज। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, लॉज ऑफ मोशन से भी कर सकते हो। एक कथा, एक कार है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कहता है कंसीडर ए कार मूविंग ऑन स्पीड रोड वो 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 यार, 5/18 तो 8 × 72 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार जा रही है आगे की डायरेक्शन में। कोफिशियंट ऑफ ब्रेकिंग टायर यहाँ पर जो है म्यू प्रेजेंट है, म्यू कितना भैया 25 है यार, ठीक है। अब कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कार कैन बी स्टॉप इट, कितनी डिस्टेंस पे कार को स्टॉप कर किया जा सकता है। मान लो कार यहाँ पर आ गई और उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई, लेट अस सपोज कि कार यहाँ पे आ गई तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, कितने से चली थी यार 20 से, यहाँ ज़ीरो हो गई, फोर्स कितना रिटार्डिंग फोर्स, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब जी की वैल्यू 10 लग रहा है तो डिस्टेंस निकालना, तो कौन सा इक्वेशन लगाया जाए बोलो, तो उस पर जो एक्सलेशन लगेगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान मास होता है, तो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन अपान मास, तो म्यू एम जी अपान मास एम, और वह जो एक्सलेशन आ गया दैट इज म्यू जी। इसको तुम याद रखो यार, एक्सलेशन रफ सरफेस पे जो है इस गाड़ी पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू म्यू जी के इक्वल है भाई, ठीक है। अगर ये म्यू जी के इक्वल है, ठीक है, तो हम चलो अगर म्यू जी के इक्वल है तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाते थे बी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS लगा देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर और 2 एक्सलेशन म्यू जी माइनस रिटार्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स, हमें निकालना है, ठीक है। तो यह इधर आ जाएगा 400 माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया डिवाइडेड बाई 2, म्यू की वैल्यू 0.6 और जी की वैल्यू 10 ले लो, स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स हो गया, तो ये इस पॉइंट ने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 200 और डिवाइडेड बाई 6, तो एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 6 मतलब ये आ जाएगा 100 अपॉन 3 मतलब 33.33 मीटर। ओ 0.5 है, सॉरी यहाँ 0.5 कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है तो 0.5 है, यहाँ मैंने 0.6 ले लिया तो ये 0.5 है, तो 0.5 है तो ये पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, 0.10 इज इक्वल टू 40 आ जाएगा तब, ठीक है। 0.5 लोगे सर 40, तो इसको सॉल्व कर लेना, 0.5 लेके ये आ गया 40, ठीक है। कुछ नहीं है, कार जा रही है उस पर एक फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, कहीं पे जाके फ्रिक्शन उसको रोक देगा, ठीक है। आगे की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा।